प्रेरणा कहाँ से मिलती है? बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न बड़ा ही नहीं, जटिल भी है। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो जिंदगी भर मोटिवेशन ही ढूंढते रह जाते हैं। जीवन में करना क्या है, जाना कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आता। एक घटना बताता हूँ अपने बारे में, बात पुरानी है। मैं शायद छठे श्रेणी का छात्र था। मेरे घर से करीब 100 मीटर दूरी पर मेरे एक दोस्त का घर था जो उसी कक्षा में दूसरे सेक्शन में था। एक दिन मैंने क्या देखा कि वह अपने बरामदे में कुर्सी टेबल लगाकर पढ़ाई कर रहा है। मुझे उसका टेबल कुर्सी लगाकर पढ़ना बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास टेबल कुर्सी तो था नहीं। लेकिन मन में बड़ी इच्छा जगी, मुझे भी कुर्सी टेबल चाहिए। मैंने अपने बाबूजी से बात की और उन्होंने 4-5 दिनों के अंदर में मुझे भी काठ की कुर्सी और टेबल बनवा दिया। फिर हमने भी कुर्सी टेबल पर बैठकर पढ़ाई शुरू कर दी। शाम में ही मैं अपने लालटेन का शीशा साफ कर लेता, मिट्टी तेल डालकर भर देता, उसकी बत्ती को सुंदर ढंग से काट लेता ताकि लालटेन जलने के समय धुआं न निकले। मजे की बात ये हुई, मेरा दोस्त के साथ एक अघोषित कंपटीशन शुरू हो गया, कौन कितने देर तक रात में जागता है। बड़ा मजा आया। बता दूं कि उस समय गांव में बिजली नहीं होती थी और लालटेन या ढिबरी ही रोशनी के साधन होते थे। ये भी बता दूं कि मेरा लालटेन पूरे गांव में बेहतरीन रोशनी देता था, क्योंकि लालटेन जलाने की एक कला होती है जिसमें मुझे महारत हासिल था। लेकिन प्रेरणा कहाँ से मिली ये मैं नहीं समझ पाया। बाद के दिनों में जीवन में जो सीख पाया वह यही था कि सारी प्रेरणा अपने अंदर ही होती है, बाहर तलाशना बेकार की बात है।